होगा कैसे? देखिए, कोई भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो हमको उस काम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। कोई भी काम हम शुरू करते हैं, उस काम के बारे में हमको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, हमको मालूम भी नहीं होता है कि काम कैसे होगा। कोई भी एक्स वाई जेड काम आप ले लो, राइट? लेकिन उसको करने के कुछ तरीके होते हैं। अब काम को करना है तो क्या तरीका है? सबसे पहले ई, किसी भी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एजुकेशन लेते हैं, उस बिजनेस के बारे में, उस जॉब के बारे में, उस कोई से भी किसी भी चीज के बारे में हो, राइट? हम उसके बारे में पहले क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। एजुकेशन से आप समझ सकते हैं, देखिए 4E मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से आप बिजनेस में प्रोफेशनल बनोगे, राइट? ये बिजनेस में किस तरीके से आप प्रोफेशनल बनोगे, क्योंकि प्रोफेशनल लोग ही पैसा कमाते हैं। जितने भी आप प्रोफेशनल लोगों को देख लो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, ये सारे लोग कौन है? प्रोफेशनल लोग हैं, और यही लोग रुपया कमाते हैं। आज हम इस बिजनेस में, हमको भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो मान के चलिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर वो 4-5 साल का पहले तो अपना कोर्स कंप्लीट करता है। ये 4-5 साल पढ़ाई करने के बाद में बहुत सारी चीजें और भी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4-5 साल पढ़ाई कर लिया तो वो डॉक्टर बन जाएगा, राइट? यहाँ पर भी आप समझिए, एक डॉक्टर बनना है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति बनना है, तो क्या किया? 4 से 5 साल का उसने उसका कोर्स किया। एक इंजीनियर बनना है तो 4 साल का कोर्स किया। एक लॉयर बनना है तो 3 से 5 साल का कोर्स किया। ये तब जाकर, इतना पढ़ाई करने के बाद में इनको सिर्फ एक क्या मिलता है, डिग्री मिलता है कि हाँ भैया, अब आप लॉयर और डॉक्टर या इंजीनियर आप बन गए हो। 5 साल पढ़ाई करने के बाद में क्या मिलता है इनको, एक डिग्री मिलता है। हमारे यहाँ पे बिजनेस में भी क्या करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा बिजनेस का। ये बिजनेस का एजुकेशन ऐसा नहीं होगा कि हाँ सर, वो पिछली बार एक मीटिंग अटेंड तो किया था, तो ऐसे करने से अगर ये डॉक्टर बन चुके होते तो आज मेरे ख्याल से आप किसी डॉक्टर को दिखाने में घबराते, एक किसी डॉक्टर के पास जाने में आप डरते। अगर इस तरीके से एक एक क्लास अटेंड तो किया था, डॉक्टर का डिग्री दे दो मुझे, ऐसा अगर डॉक्टर, ऐसा वाला डॉक्टर रहेगा तो हो सकता है हमारा जिंदा बचना नामुमकिन है, राइट? तो 4 से 5 साल इन्होंने पढ़ाई किया है, तब जाकर इनको वो डिग्री मिला है कि हाँ भाई, अब आप डॉक्टर हो। आप यहाँ पर बिजनेस में आने के बाद में, बहुत सारे लोगों को 2 दिन के अंदर में वो डिग्री चाहिए, तो 2 दिन के अंदर में डिग्री नहीं मिलेगा। आपको भी बिजनेस में एजुकेशन लेना होगा, आपको भी लगातार बिजनेस में सीखना होगा। जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, आपको हर एक चीज लगातार क्या करनी होगी, सीखनी होगी, बारीक से बारीक चीज सीखनी होगी, क्योंकि आपको क्या बनना है, प्रोफेशनल बनना है इस बिजनेस में, और प्रोफेशनल लोग ही पैसा कमाएंगे। आप सोचेंगे ना कि भाई थोड़ा बहुत कर लेता हूँ हो जाएगा, थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, ट्राई करके देख लेता हूँ हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको, अगर आपके अंदर ये है कि बिजनेस को आपको सीखने का ललक आपके अंदर है, आपके अंदर अगर ये चाहत है कि मुझे बिजनेस की हर एक चीज सीखनी है, तब जाकर ये बिजनेस आपसे ऑटोमेटिकली होगा। सो बिजनेस में प्रोफेशनल बनना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। लगातार 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 एजुकेशन बिजनेस का लेना पड़ेगा। एक दो मीटिंग ट्रेनिंग से नहीं होगा, लगातार हमको इस बिजनेस का एजुकेशन लेना होगा। दूसरा पॉइंट आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, अब एक डॉक्टर बनता है, डॉक्टर 4 से 5 साल के अंदर कई हजारों एग्जाम देता होगा, राइट? इतना तो आप जान रहे हैं। आज हमारा एक बच्चा अगर एक एक क्लास में भी पढ़ रहा है, मान के चलिए वो एक फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या कोई सी भी क्लास में, हम पकड़ चलते हैं 12th क्लास में, आप मुझे बताइए 12th क्लास में अगर बच्चा है तो पहले तो कितनी सारी एग्जाम देगा, क्वार्टरली एग्जाम देगा, हाफ ईयरली एग्जाम देगा, उसके बाद में प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम होते हैं, और इन सब के बीच में कई सारे टेस्ट लगातार वीकली मंथली उसके चलते हैं, तब जाकर उसको ये 12th क्लास का सिलेबस और हर एक चीज उसको समझ में आती है, जब वो इतने सारे टेस्ट देता है। इसमें किसी टेस्ट में वो पास होता होगा तो किसी टेस्ट में फेल भी तो होता होगा, राइट? तब उसको समझ में आता है, यार मैं फेल हो गया हूँ, मतलब मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी वापस से, मैंने मुझे अपने सिलेबस को देखना पड़ेगा, मुझे वापस से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इससे उसको अंदाजा आता है कि मुझे वापस से पढ़ाई करनी पड़ेगी, जब वो टेस्ट में फेल होता है। यहाँ पर भी आपका एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर भी एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर कौन एग्जाम लेंगे? आपके प्रोस्पेक्ट आपका एग्जाम लेंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपका एग्जाम लेंगे, आपके रिलेटिव आपका एग्जाम लेंगे,
आपके फ्रेंड्स आपका एग्जाम लेंगे, आपके फैमिली मेंबर आपका एग्जाम लेंगे, ये सब लोग आपका एग्जाम लेंगे और सब लोग आपको हर जगह से तोड़ने की कोशिश करेंगे, हर जगह से आपको मोड़ने की कोशिश करेंगे, हर जगह से आपका माइंडसेट बदलने की कोशिश करेंगे, हर जगह से आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ये सारे लोग आपका एग्जाम लेंगे और सबसे बड़ा एग्जाम ऊपर वाले भी लेंगे। ऊपर वाले मतलब भगवान। क्या इसकी क्षमता है कि मैं इसको इतना बड़ा जो है इनकम दूं? क्या इसकी क्षमता है, ये संभाल सकता है? तो हर तरीके से एग्जाम होगा। जब हर तरीके से एग्जाम होगा ना, तब आप पास होकर जो बनोगे ना, एक डॉक्टर जब हर तरीके का एग्जाम देता है और उसके बाद में जब वो डिग्री लेता है ना, तो उसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है। इसी तरीके से आप हर ये व्यक्ति जब आपका एग्जाम लेगा ना, आपका प्रोस्पेक्ट एग्जाम लेगा, आपको बार बार कुछ ना कुछ बोलेगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी आपको तड़पाएगा, सब चीजें करेगा। आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में बहुत सारे नाटक करेगा, परीक्षा लेगा बहुत सारी, आपके रिलेटिव्स आपके फैमिली फ्रेंड्स सब 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 लोग आपके एग्जाम लेंगे। अब आपके ऊपर है उस एग्जाम में पास होना है या फेल होना। एग्जाम में पास होते हो आगे बढ़ोगे, एग्जाम में फेल होते हो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब मैं 12th में मेरा ये जो क्वार्टरली एग्जाम में मैं फेल हो गया, तो अब बस अब पढ़ाई वढ़ाई सब बंद और कुछ नहीं करूंगा मैं, अब तो बस हो गया मेरा, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। अगर फेल हो गया है ना बच्चा, तो हम खुद उसको बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं बेटा, पढ़ वापस से, पढ़ाई कर, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब ये बात उनके ऊपर लागू होती है, उस जिंदगी में ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि अगर कहीं पे हम फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमको वापस से अभी एजुकेशन लेना है, अभी यहाँ से ये कुछ गड़बड़ हुआ है, तो मुझे क्या करना है, वापस से मुझे अभी एजुकेशन लेना है, वापस से शायद से मेरे सीखने में अभी कुछ कमी है, शायद से मैं अभी जो जितनी चीजें जानता हूँ उससे मुझे कुछ और चीजें जानने की जरूरत है। और जब आप इस एजुकेशन को वापस से फोकस करोगे, तो एग्जाम में आप वापस से पास हो जाओगे जहां पर आप फेल हुए थे, क्योंकि अब आपने वो जो गड़बड़ी थी उसको पूरा कर लिया है। तीसरा पॉइंट आता है, क्या आता है एग्जामिनेशन के बाद में, क्या होता है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, एक डॉक्टर बन गए, राइट? एक डॉक्टर बन गया, डॉक्टर ने डिग्री ले ली, तो वो क्या सीधे क्लिनिक खोल लेता है या सीधे ऑपरेशन करने भिड़ जाता है? नहीं, उसने अगर पढ़ाई कर लिया तो पहले क्या करता है, वो एक्सपीरियंस लेता है किसी बड़े डॉक्टर के पास में, बड़े हॉस्पिटल में जाकर वो क्या करता है, एक्सपीरियंस लेता है, 1-2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लेता है, और तब जाकर वो फिर खुद का कुछ खोलने के बारे में सोचता है। एक लॉयर है जो, एक वकील क्या करता है, पहले बड़े लॉयर के अंडर में काम करता है, एक सीए बड़े बड़े सीए के अंडर में काम करता है, एक इंजीनियर बड़े इंजीनियर के अंडर में काम करता है, और काम में वो सीखता है, वो रुपया नहीं कमाता है वो शुरुआत में, वो सीखता है। यहाँ पर भी पूरा कोर्स में उसने लाखों रुपए लगा कर आया है, पूरे कोर्स में उसने लाखों रुपए लगा कर आया है, और लाखों रुपया लगाने के बाद में, पूरे कोर्स में लाखों रुपए लगाने के बाद में भी वो क्या कर रहा है, 2-3 साल तक बिना रुपयों के क्या कर रहा है, वो यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर एक्सपीरियंस ले रहा है, यहाँ पर सीख रहा है कि किस तरीके से और इसको मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल बनने के लिए सब जरूरी है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको कौन, आपको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा आप अपने सीनियर के साथ में जो काम करते हैं, आप उनकी हर बात को मानते हैं, आप जो सिस्टम जो कंपनी जो बोल रही है उस चीज को आप करते हैं, तो यहाँ पर आप उन सब चीजों का क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि इस बिजनेस में क्या क्या चीजें किस तरीके से और कर सकते हैं। जो आप सेमिनार हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, फंक्शंस हो गए, ट्रेनिंग्स, आप हर एक चीज यहाँ पर क्या है, ये क्या कर रहे हो, आप एक एक्सपीरियंस ले रहे हो अपने लोगों के साथ में, अपने सीनियर लीडर के साथ में रहकर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये एक्सपीरियंस ले रहे हो। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एथिक्स। एथिक्स मतलब इसको बोलते हैं सही नियत। देखिए दोस्त, कुछ भी बन जाओ जिंदगी में, लेकिन नियत अगर खराब है तो कुछ भी होने वाला नहीं। कुछ भी बन जाओ जिंदगी में, अगर नियत सही नहीं है तो कहीं से कहीं तक भी तरक्की नहीं मिलने वाली है। एक डॉक्टर क्या करता है, अपने एथिक्स को फॉलो करता है कि मैं सब काम सही तरीके से करूंगा, मैं किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिस तरीके से एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता है, जब जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है या चीफ मिनिस्टर बनता है या कोई भी मंत्री बनता है, तो वो शपथ लेता है कि भाई मैं सब नियम कायदों से काम करूंगा, इस तरीके से करूंगा, ऐसे ही डॉक्टर होता है, वो बोलता है नियम कायदों से काम करूंगा, किसी का ऑर्गन चोरी वगैरह करने का काम नहीं करूंगा। तमाम तरीके के एथिक्स होते हैं, एक इंजीनियर के एथिक्स होते हैं, एक लॉयर के एथिक्स होते हैं, सबके अपने अपने एथिक्स होते हैं।
हमको भी इस बिजनेस में अगर प्रोफेशनल बनना है ना, तो हमको भी वो एथिक्स को फॉलो करना होगा। एथिक्स को फॉलो मतलब सही तरीके से बिजनेस को करूंगा, किसी को भी गलत जानकारी नहीं दूंगा, किसी को भी कुछ रुपया कमाने के चक्कर में गलत कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, गलत कहीं भी प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा, है ना। किसी का दूसरे का टीम में अगर कोई व्यक्ति तो उसको छीनूंगा नहीं, है कि नहीं। इस तरीके से ये नियत किसी भी क्योंकि देखिए हमारे साथ में जेंट्स और लेडीज दोनों आते हैं, तो उन सब की मान मर्यादा का ध्यान रखूंगा। जिस तरीके से मैं अपने घर में अपने भाई से या अपनी बहन से जिस तरीके से मैं बिहेव करता हूँ, जिस तरीके से मेरे उनके साथ में रिलेशन है, उस तरीके से मैं रिलेशन अपने बिजनेस में अपने लोगों के साथ में रखूंगा। अपनी टीम में कोई भी गड़बड़ी नहीं करूंगा। माई लाइफ स्टाइल पहली और जिंदगी की मेरी आखिरी ये चीज होगी जिसमें मैं अब इंटर कर चुका हूं, और यहीं से मुझे अपने व्यापार को, यहीं से मुझे अपनी किस्मत को बदलना है। इस तरीके से जब आप ये किसी के रुपयों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, किसी के रुपयों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, पता चल रहा है बिजनेस में जुड़ने के लिए दिया है और हम अपने कुछ पर्सनल यूज के लिए उसको निकाल कर बैठ गए हैं। सो इस तरीके से ये चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको सही एथिक्स को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों चीजें आपने बहुत अच्छी कर ली, लेकिन नीयत ही अगर खराब है तो बिजनेस में सब खराब होने वाला है, कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो ये 4E जो है ना, ये आपकी लाइफ में आपको एक प्रोफेशनल बनाने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर आपको समझ लीजिए टीम में कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, अगर कहीं से कहीं तक कुछ और बिजनेस में अगर हमसे ये चीजें सही तरीके से नहीं हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि हमको अभी वापस से एजुकेशन वाले पार्ट में हम कमजोर हैं। एजुकेशन वाले पार्ट में हम कमजोर हैं, हमको अभी वापस से उसको कुछ ना कुछ जो चीजें मुझे नहीं मालूम है वो चीजें मुझे सीखनी होगी। क्योंकि अगर किसी का बिजनेस हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है, मतलब कहाँ पर गड़बड़ है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत है। अगर सबका नहीं हो रहा है मतलब सब चीजें खराब है, लेकिन सबका हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है मतलब कहाँ पे गड़बड़ी है, गड़बड़ी मेरे अंदर है। और बिजनेस भी छोड़कर वही लोग जाते हैं जिनको गड़बड़ी सबके अंदर दिखती है जहां पर बिजनेस हो रहा है, लेकिन खुद के अंदर गड़बड़ी नहीं दिखती जहां से बिजनेस नहीं हो रहा है, और वही लोग बिजनेस को छोड़कर भी जाते हैं। सो आप इस बिजनेस में अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए, सब कुछ बदलाव आ जाएगा। लोगों को, टीम को, सिस्टम को बदलने का कोशिश मत कीजिए, वो वैसा ही रहने वाला है। सबसे पहला बदलाव खुद के अंदर लाना पड़ेगा, जहां पर कमी है उसको पूरा करना पड़ेगा, जहां पर भी जो गड़बड़ियां हो रही है उसको भरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और वहां से आप बिजनेस में एक बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर ग्रो करने वाले हो। राइट, सो आई होप आपको ये 4E का फंडा समझ में आया होगा। 4E का फंडा आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 4E, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और एथिक्स। ये 4E से क्या बनता है, हमारा एक सिस्टम बनता है जिसमें हम प्रोफेशनल बनते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा।